बिजली करंट से पिता पुत्र की खेत में मौत। स्वास्थ्य विभाग का जिला अस्पताल में निरीक्षण। और 2 माह के पुत्र ने किया अपने पिता का अंतिम संस्कार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिले के रामपायली थाना अंतर्गत नवेगांव 3 टोला निवासी पिता पुत्र की खेत में करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना थाने में मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कवनलाल दमाहे और उसके पुत्र कृष्ण कुमार दमाहे के शव को बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र अपने अधियादार भोजराम पटले के खेत में दवा का छिड़काव करने जा रहे थे। इस दौरान खेत के किनारे से गए बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस मर कायम कर विवेचना कर रही है। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में शनिवार को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एडवाइजर एस के सिकंदर बालाघाट पहुंचे। बालाघाट पहुंचने के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन अशोक लिल्हारे के साथ चिकित्सालय और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जो भी कमियां देखी उसे दूर करने के निर्देश दिए। देश की रक्षा के लिए भुज बॉर्डर में अपनी सेवा दे रहे विकास पंद्रह ने सन 2010 में बीएसएफ फोर्स ज्वाइन की थी। वर्तमान में विकास की पोस्टिंग गुजरात के भुज में थी। कुछ दिन पहले विकास अपने घर छुट्टी मनाने के लिए आए थे, तब वह पूरी तरह स्वस्थ थे, मगर शनिवार को जब उनका पार्थिव शरीर गुजरात से सेना के विमान द्वारा रायपुर और रायपुर से बीएसएफ की गाड़ी में उकवा लाया गया तो बताया गया कि कुछ दिन पहले विकास को डेंगू हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विकास के 2 छोटे बच्चे हैं, 4.5 साल की बेटी पुहू और 2 महीने का बेटा त्रिलोक, जिसने अपने पिता विकास का अग्नि संस्कार किया। लालवाला क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनकी के ग्रामीणों ने गांव में हो रहे बिजली कटौती और बिजली बिल के विरोध में 9 अक्टूबर को सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर बिजली विभाग से पर्याप्त बिजली प्रदाय करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कांग्रेसी नेता दुर्गा पगरवार और ग्राम पंचायत कनकी की प्रधान होलिका भोयर के नेतृत्व में करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की सूचना मिलने पर लालबर्रा तहसीलदार और बिजली विभाग के अधिकारियों ने पहुंच ग्रामीणों को समझाइश देकर आंदोलन समाप्त कराया। चक्का जाम रहने से आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी मांग ये है कि आज के 15 दिन पहले हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि ग्राम पंचायत कनकी में जो बिजली कटौती हो रही है प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसका मेन कारण यह है कि जो गर्रा औद्योगिक क्षेत्र है, अब मेरे भी औद्योगिक क्षेत्र हो गया लगभग, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियाँ राइस मिल मेरे में बन चुकी है, तो उद्योगपतियों ने जो खरीद लिया है बिजली विभाग को और जो मेन रोड से 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है और जो बस्ती में ग्राम पंचायत पूरे कनकी में लोग अंधेरे में रहे, उनका कोई माई बाप नहीं। हमारी मांग यह है कि संपूर्ण ग्राम पंचायत कनकी माँ का मौसी का क्यों, किसी को माँ का मौसी का क्यों, तो वह सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। पहले तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कटौती कोई भी नहीं की जा रही है, कहीं भी 1 मिनट की घोषित कटौती नहीं है। शटडाउन या ब्रेकडाउन होने पे लाइन का सुधार करके लाइन चालू की जाती है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा गैर मुस्लिमों की हत्या किए जाने की निंदा करते हुए शहर मुख्यालय के कालीपुतली चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। विहिप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को एक बार ढंग से सबक सिखाया जाए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारे पूरे भारत देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान के पर हमारे बालाघाट जिले में भी प्रत्येक प्रखंड स्तर पर यह पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर में लगातार हिंदुओं को चिन्हित करके इस्लामिक आतंकवाद से संबंधित लोगों के द्वारा, आतंकवादियों द्वारा चुन चुन के हिंदुओं की हत्या की जा रही है। उस हत्या के विरोध में और बजरंग दल उस हत्या के विरोध में बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर आज 9 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम और पुतला पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश भर आयोजित किया गया है। वन विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा इमारती लकड़ी के अवैध व्यवसाय पर नियंत्रण के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज ग्राम सकरी में छापामार कार्रवाई कर रूपचंद पटले के घर से लगभग 25,000 रूपये की सागौन की चरान जब्त की गई।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड लामता में पुतला दहन कर आतंकवादी और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। उनका कहना है कि कश्मीर में एक बार फिर से 1990 के दशक जैसे चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। ये सब सीमा पार से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। बजरंग दल ने कहा कि वह कश्मीर के हिंदू समाज के साथ पूरी शक्ति से खड़ा है। लामटा से बुढ़िया गांव चांगुटोला मार्ग के मध्य ग्राम खुरसोड़ा तालाब के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में मौत नुमा गड्ढा बना हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस दौरान कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गौरतलब है कि अनुबंध अनुसार हर 6 साल में इसका दुरुस्तीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर में हिंदू और सिख समुदाय को मार रहे आतंकियों के खिलाफ शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लालबर्रा बस स्टैंड में आक्रोश व्यक्त किया और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इस दौरान बजरंगियों के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर बजरंग दल लालबर्रा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आतंकवाद की जो कंटिन्यू घटनाएं हो रही है, इनमें आज जो प्रदर्शन है पूरे देश भर में बजरंग दल ने एक साथ किया है, और उसका कारण यह है कि कश्मीरी पंडितों को जो वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा पूरे बजरंग दल का महामहिम हमारे प्रधानमंत्री जी को सीधा साफ सुथरा संदेश यह है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इन आतंकवादी गतिविधियों को आप जल्द से जल्द ख़त्म करिए। कश्मीर में जो आतंकवाद चालू हुआ है, आतंकी जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, वैसी फिर से घटनाएँ चालू हो गई है। घटना का निंदा करते हुए हम यहाँ जमा हुए हैं। 9 अक्टूबर को तिरोड़ी में पाकिस्तान की कायराना साजिश के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में पिछले एक सप्ताह से हिंदुओं की सुनियोजित हत्या किए जाने के विरोध में तिरोड़ी प्रखंड में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान विरोधी रैली निकाली गई, जिसके बाद जयस्तंभ चौक में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाकर पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। बालाघाट मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम गड़दा की पहाड़ पर पत्थर की गुफा में माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि एक दशक पूर्व मां अन्नपूर्णा ने एक आदिवासी भक्त के सपने में आकर इस पहाड़ी की गुफा में अपना वजूद बताया था, तभी से यहां माता के भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मां अन्नपूर्णा का दरबार ग्राम गड़दा की ऊंची पहाड़ी पर लगता है। इस दरबार में यूं तो कभी भी लोग सर झुकाने जाते हैं, लेकिन नवरात्र में यहां भक्तों का मेला लग जाता है। इस दरबार में उन लोगों की भी खासी भीड़ देखी जाती है जो अपनी मुरादें पूरी होने के बाद माता का शुक्रिया अदा कर ज्वारा बोकर ज्योति जलाते हैं। भक्तों की माने तो माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से कई महिलाओं की सूनी गोद भर गई है। यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं बेटा और अपने मन्नत रखते हैं, उनकी मन्नत पूर्ण होती है। जो भी आस्था लगा करके आते हैं उनकी आस्था पूर्ण होती है। यहाँ पे माता रानी के भंडार से सभी दर्शक लोग जो आते हैं तो माता रानी को भेंट के लिए सब अपने घर से सामग्री चावल वगैरह लाते हैं। यहाँ दिन भर 250-300 लोग भोजन करते हैं और उसकी पूर्ति को माता रानी से ही हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।